हेलो फ्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कवर आर नेक्स्ट डिवीज़न दैट इज रीवा डिवीज़न इफ यू टॉक अबाउट रीवा डिवीज़न देर आर फोर डिस्ट्रिक्ट नेमली रीवा सतना सीधी एंड सिंगरौली इफ यू टॉक अबाउट रीवा सो अर्लियर नेम ऑफ रीवा यू कैन से बथा और मथा जस्ट मिनट बथा एंड मथा इफ यू टॉक अबाउट शेप ऑफ रीवा इट इज़ इन ट्राइंगल शेप And, and most important archaeological site which is present in Riva, which is located in Riva is Tyodhar. So, you can remember this particular fact that Tyodhar is located in Riva district. Riva is also known as land of white tiger. And one important river valley project that is Band Sagar project which is situated on the river Son has four phase in it. Out of this four phase, two phase are in Riva. Next important fact is about Tansen. Tansen is basically from Gwalior but he was the court poet of king of Riva, Ramchandradev, And after that he went to the court of Akbar and included in nine jewels of Akbar. Next important fact, Chachai waterfall which is the largest waterfall in MP. इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑन बीह रिवर वी ऑल्सो फाउंड आर्मी स्कूल इन रीवा नेक्स्ट रीवा इज ऑल्सो फेमस फॉर टॉय ऑफ एरिकानट सुपाड़ी के खिलौनों के लिए भी रीवा को जाना जाता है नेक्स्ट रीवा ऑल्सो हैज पुलिस व्हीकल एंड ट्रेनिंग सेंटर पुलिस मोटर वर्कशॉप एंड वी फाउंड डोलोमाइंट इन रीवा ऑल्सो riva is also known for cement producing reason and kachu katha producing reason so this particular fact is about riva our next district is satna if we talk about satna satna the name derived from the river satna name derived from the river satna satna was the first holy place declared by the mp government

क्या किया जाएगा इस्टेब्लिश किया जाएगा गधों का मेला फेयर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है कहाँ पर सतना में नेक्स्ट है वर्क प्लेस ऑफ नाना जी देशमुख नानाजी देशमुख को रिसेंटली भारत रत्न से अवॉर्ड किया गया था और इनका जो मेन वर्क प्लेस रहा है वो भी रहा है आपका सतना तुलसी म्यूजियम इज ऑल्सो लोकेटेड इन सतना एंड इट इज इस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन सेवेंटी एट एंड एग्जैक्ट लोकेशन इज रामवन सतना मोस्ट इम्पार्टेंट टेंपल विच इज़ बिललोंग्स टू द गुप्ता एरा इज शिव टेंपल ऑफ खोह विच इज लोकेटेड इन सतना नेक्स्ट बरहूत स्तूप इज ऑल्सो लोकेटेड इन सतना अदर प्लेसिज मयर एंड चित्रकूट बोथ आर इम्पॉर्टेंट प्लेसिज मैयर इज बिललोंग्स टू अलाउद्दीन खान अलाउद्दीन खान जो कि एक इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल पर्सनालिटी रहे हैं मध्य प्रदेश के और चित्रकूट चित्रकूट को जाना जाता है कि यहाँ पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश है इन्होंने का बाल अवतार को देखा गया था तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट प्लेस याद रखने हैं उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी इट वॉज इंस्टेब्लिश इन नाइनटीन ये आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है प्रलिम में कि ये यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई तो ये यूनिवर्सिटी 1991 में स्टैब्लिश हुई है और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इज़ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इज़ सीधी सीधी से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कुछ ही हैं जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क सिचुएटेड है सीधी में सीधी में क्रोकोडाइल सेंचुरी है घड़ियाल सेंचुरी जो कि सोन रिवर पर है नदर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड ये भी कहा पड़ता है आपके सीधी में बाणसागर प्रोजेक्ट भी है सीधी में और सबसे ज्यादा जो जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो है चांडी देवी का मेला चांदीज देवी फेयर इज ऑर्गेनाइज एट घोगरी विलेज ऑफ सीधी आर नेक्स्ट फैक्ट सिंगरौली इफ यू टॉक अबाउट सिंगरौली इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ एम पी इट कंटेन कोल्ड फील्ड रीजन मारा केव्स एंड मिनरल एंड एंड फॉरेस्ट कवर सो today we have covered the rewa division in next uh, video we will going to cover the jabalpur division that's all for this video thank you thank you very much